सो हेलो एवरीवन, तो आ गई न्यू फ्रेश एंड सैड फोटो एडिटिंग के साथ। अभी गर्ल सैड फोटो एडिटिंग है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में कितना सैड फोटो एडिटिंग किया, कितना अच्छा कार से एडिट किया। दोस्तों दोस्तों आप लोग इस तरह का एडिटिंग करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ऐसे ही देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों दोस्तों अगर मेरे चैनल पर कोई भी नया जुड़ा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथों को, मैंने कागज का टुकड़ा मैंने लिया है हाथों में, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों दोस्तों अब थोड़ा आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। अब देखिएगा, मैंने दोस्तों इसको हटाकर मैंने रियल का हेड मतलब दिल लगाया। आप लोग दोस्तों आप लोग दोस्तों इस तरह का एडिट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों इसको शेयर कर लेना अपने दोस्तों, इसको लाइटरूम ऐप में, ये लाइटरूम ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वर्जन चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद फोटो को अपने शेयर करने के बाद हम लोग जाएंगे लाइटरूम ऐप में, मैंने प्रेशर यूज करूंगा। जो प्रेशर मैंने यूज किया है, मैंने हर वीडियो में अपने टेलीग्राम पर डाला हूँ, कई वीडियो में भी इसके बारे में बताया हूँ कैसे इसको यूज करना है। फिर भी एक बार और बता देता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा अलग से एडिट करना चाहते हैं। इस जो मैंने प्रेशर रखी है इसको थोड़ा, इसका सेटिंग इधर कम बेसिक कर लेंगे कि मेरा फोटो अच्छे से एडिट हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कॉपी सेटिंग है, उस पर कॉपी सेटिंग करने के बाद ऊपर प्लस का निशान, उस पर क्लिक कर लेंगे। उसको क्लिक करने के बाद अपनी फोटो को ले लेंगे दोस्तों। दोस्तों उसके बाद हम पेस्ट सेटिंग देख सकते हैं, पेस्ट सेटिंग हम लोग देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका फोटो एक ही बार में एडिट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकेंडों में आपका फोटो एडिट एक ही बार में एडिट हो जाएगा दोस्तों। आप लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए दोस्तों एक ही बार में फोटो एडिट हो चुका है। उसके बाद अपने फोटो को शेयर करना है ऑटोडिक स्केचबुक में। ऑटोडिक स्केचबुक में बताने वाला हूँ अपने फेस को स्मूथ कैसे करना है और बैकग्राउंड को इरेज कैसे करना है, यही थोड़ा सा बताऊंगा, बस हल्का सा बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। दोनों को फेस को वाइट कैसे करना है, बैकग्राउंड को इरेज कैसे करना है, बस शॉर्ट बताऊंगा आपको। उसके बाद आप उससे वैसे ही अपने फोटो को कर लेना है, बस आपको मैं टेलर बताऊंगा पिक्चर नहीं, मतलब नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों तो आप लोग और भी स्किप करके लगेंगे देखने के लिए। इसे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि बैकग्राउंड को इरेज कैसे करना है। उसको आप लोग देख सकते हैं, इरेज मैंने ले लिया है, लेजर जो आइस मतलब आइस दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने फोटो को थोड़ा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद देखिए आपका बैकग्राउंड इरेज होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अब आपका बैकग्राउंड इरेज मतलब मेरा फोटो के बैकग्राउंड इरेज स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही आपको सेम इरेज कर लेना है दोस्तों। दोस्तों मैं पूरा आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सबको बताया हूँ कि कैसे बैकग्राउंड को इरेज करना है। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा बताने वाला हूँ कि फेस को स्मूथ कैसे करना है। आप ब्रश देख लीजिएगा, जो मैंने ब्रश यूज किया है ब्रश देख लीजिएगा। मैं हर वीडियो में सबको इसी ब्रश का यूज करता है दोस्तों, आप भी लोग इसी ब्रश का यूज करिएगा। आप लोग सेटिंग देख सकते हैं 4 है और लेंथ मतलब 8 है। उसके बाद अपने फोटो को जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद हल्का हल्का से अपने फोटो को स्मूथ करना है दोस्तों। आप लोग देख सकते कितना मस्त कितना अच्छे से फेस स्मूथ हो रहा है दोस्तों। स्मूथ होने के बाद आपको गैलरी दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। सब आपको पूरा स्मूथ करने के बाद फिर सेव करेक्ट स्केच दिख रहा है, उस पर क्लिक करते ही आपका मतलब जो बैकग्राउंड आप लोग इरेज करके रखेंगे वो सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। उसके बाद हम जाना है यहाँ पी खाट में। मैंने जो PNG और टेलीग्राम मतलब बैकग्राउंड यूज किया आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों। मेरा टेलीग्राम का नाम है RSC पिक्चर, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही सेम टेलीग्राम पर नाम है। फिर एडिटर फोटो पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ जो एक बैकग्राउंड लेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग बैकग्राउंड ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे एड फोटो में, जो मैंने अपने बैकग्राउंड को इरेज करके रखा था और गर्ल फोटो एडिटिंग यहाँ ऐड करेंगे। और गैलरी में जाएंगे अपने दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमने जो मैंने रखा था गर्ल PNG और अपनी फोटो को ले लेंगे, दोनों एक ही बार ले लेना है। फिर उसी में जाएंगे गैलरी में, कैमरा में अपना फोटो लेंगे। अब इसके बाद जो गर्ल PNG उसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेंगे,
जूम करने के बाद अपने फोटो को भी थोड़ा हम जो जूम कर लेंगे, ऐसे उसका ओपेसिटी है थोड़ा कम कर लेंगे। अपनी फोटो को नहीं करना है, गर्ल फोटो को ओपेसिटी कम करना है। और गर्ल फ्रेंज को थोड़ा हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ हम लोग का हो चुका है, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ग्रास, घास जो बोलते हैं, ग्रास इंग्लिश में ग्रास बोलता है, हिंदी में घास बोलते हैं, उसको भी आपने आगे इसको ऐड करेंगे। यहाँ हम लोग ग्रास पेंज ले चुके हैं। थोड़ा अच्छे इसको एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। एडजस्ट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। पिन एड फोटो में जाएंगे, पिन गैलरी में जाएंगे। यहाँ हम लोग जो हेड मतलब दिल पीएनजी इसको हम लोग ऐड करेंगे। लग रहा है मेरे गैलरी में नहीं है, तो इसको हम लोग गैलरी से वापस आते हैं पिकार्ट में, वहाँ से अपने वो दिल को हम लोग लेंगे। वो नहीं है इसमें, यहाँ आपको अपने नेट को ऑन कर लेना है। नेट ऑन के मेरा स्टीकर दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। डिस्कवरी आपको दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर मतलब लिखेंगे बोकेन हेड, बोकेन हेड, बोकेन हेड लिखने के बाद तो बहुत सारा आ जाएगा, आपको सर्च करना है, उसके बाद इसमें आपको खोजना है। लग रहा बहुत नीचे का जो मैंने यूज किया है वो मिल नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मिल चुका है। अब इसको ले लेते हैं, इसको अच्छे से एडजस्ट करना है, अपने हाथों पर एडजस्ट करना है। इसका दो बना लेना है डुप्लीकेट का कर, उसके बाद इरेज के मदद से इसको ओपेसिटी कम कर लेना है। करने के बाद अपनी फोटो को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद जो हैंड पर मतलब हाथों पर दिख रहा है इसको मतलब इरेज का हटा लेंगे। मैं जल्दी से हटा लेता हूँ, अब देख सकते नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा भी डिस्कर्ब मत करिएगा मैं दोस्तों, तभी लोग इस कैसे इसको एडजस्ट किया है, दिल को कैसे क्या किया है, तभी आप लोग इस तरह दोस्तों एडिट कर पाएंगे। हो गया एक हाथ का तो हो चुका है, अब सेकेंड हाथ को हम लोग भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर वैसे सेम वैसे करना है, इसको हाथों अच्छे से एडजस्ट कर फिर इरेज करके मदद से इसको सेव कर लेना है दोस्तों। हो चुका है, ओपेसिटी को हम लोग ज़्यादा कर लेंगे। उसके बाद जो आगे का है इसको भी इरेज कर हटा लेंगे। हो चुका है, उसको सेव कर लेंगे। देखिए कितना दोस्तों मस्त हो, कितना अच्छा सा एडिट हो चुका है अपनी फोटो। ऊपर जाएंगे सैचुरेशन में, थोड़ा ओपेसिटी मतलब सैचुरेशन कम कर लेंगे, -25 कर लेंगे, हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा लेंगे, या थोड़ा अपने फेस को वाइट करने वाले हैं दोस्तों। बस हल्का सा इसको मतलब फेस को वाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना दोस्तों। गर्ल भी इन्हें गोसा छोड़ जाना, बस सिर्फ अपने हाथ चाहे तो गर्ल भी को कर सकते हैं। फिर जाएंगे हम लोग टूल्स में, यहाँ थोड़ा हम लोग टेम्पल थोड़ा कम बेसिक कर लेंगे। उस जाएंगे टूल में, ड्रो टूल में सर अपनी फोटो को सेव कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।